वही वाली बात है जिसके मन में अगर ललक होती है कि भाई मुझे पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को तैयार करना है, तो नींद कभी नहीं आ सकती। अब दूसरा सवाल होता है कि इस तरह हमें पढ़ते हैं तो उस टाइम पर नींद आती है, सभी के साथ होता है, कोई कितना भी बोले ऐसी बात नहीं है, सभी के साथ तो नींद आती आती है। जय हिंद साथियों, आप सभी के द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो ये है कि सर जब आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी किया था तो उस टाइम पर आपने कितने आवर्स जो है पढ़ाई किया था, आपका समय सारणी क्या था, आपने कितने आवर्स जो हिंदी को दिए थे, मैथ्स एंड रीजनिंग को दिए थे, यूपी जीके को कैसे तैयार किया था, तो वो आप ज़रूर बताइएगा। देखिएगा, एक नया विद्यार्थी होता है और जो भी अगर यूपी पुलिस या फिर विभाग में अगर वो जाना चाहता है, मतलब वो वर्दी पहनना चाहते हैं, तो उनका एक सपना होता है कि जो सिलेक्टेड हैं अगर वो हमें कुछ सजेशन देंगे तो उनकी बात में एक दम होता है। तो आपका सबसे पहला सवाल होता है कि सर आपने कितने घंटे पढ़ाई किया था, तो मेरा एक ही प्यारा सा जवाब रहेगा, इसमें घंटे का कोई मतलब नहीं होता है। आप और दूसरी बात, आपका टाइम टेबल था क्या? ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं रहा कि नहीं इतने घंटे इसको पढ़ना है, इतना घंटा इसको पढ़ना है। देखिए, हमने बनाया ज़रूर था लेकिन हम उसे फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि आज बनाया, आज ही फॉलो किया, दूसरे दिन से वो फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि समय, अब देखिएगा, आप भले ही पढ़ रहे हैं लेकिन मन क्या बोल रहा है उसके अनुसार आपको काम करना है। और बात रही घंटे वाली, कितने घंटे पढ़ाई करना है, तो ऐसा तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो कभी कम ज़्यादा होता रहता है 19-20, लेकिन आपको एक तरीका बता देता हूँ कि किस टाइम पर आपको सोना है। सोने की सबसे बड़ी बात है और वो बात मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, आप अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी विभाग के लिए तो आपको सोना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात को एक जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, सोना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। देखिए, मेरा स्पेशल ये मानना था और मैं ऐसा इस टाइम पर क्यों सोता था वो उसका मैं रीज़न दूंगा। मैं रात को 12 बजे तक ही पढ़ता था, 12 के बाद भले ही टॉपिक आधा रह गया कोई दिक्कत नहीं, तुरंत बंद करना, लेकिन एक ये भी था मन में कि मुझे 12 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, उससे पहले नहीं सो सकता हूँ और 12 बजे के बाद नहीं पढ़ सकता। तो ये दोनों ही शर्त थी, तो दोनों को मैं बहुत प्यार से फॉलो करता था। मेरे साथी थे बगल में, कलेज जो बगल में पढ़ते थे, तो वो 1 बजे तक 2 बजे तक पढ़ते थे। अब देखो दोनों में अंतर क्या था, मैं 12 बजे रात में 12 बजे तक पढ़ा, सुबह में 6 बजे जग गया, कभी नींद खुल गया 5 बजे, एक्साइटमेंट होता ना, नहीं पढ़ना है पढ़ना है यार, क्या कर रहे हैं हम, सो रहे हैं यार, कब तक सोएंगे, पढ़ो पढ़ो, ऐसा होता है ना, उसको आप कंट्रोल करिएगा। ये दिक्कत कहाँ कर देता है, रात में आप 12 बजे सो गए, सुबह 6 बजे जग गए, पूरा नींद प्रॉपर 6 घंटे का। अब मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप दिन में कितना भी पढ़ लीजिएगा, सिर्फ 1 या 2 घंटे आपको दिन में नींद आएगी, बाकी आप पूरा पढ़ाई कर सकते हैं, ये सच बता रहा हूँ मैं आपको। अब जो विद्यार्थी, देखो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, उसका मैंने लॉजिक भी दिया कि देखिए आपका जो शरीर है, हमारा जो शरीर है वो जिस समय पर जो एक्टिविटी उसको पसंद है भाई, उसके लिए तो वो प्रेरित होगा ही होगा। मेरा मतलब ये हुआ कि आपको पता है ना, रात में हमारा बॉडी सोता है, सोने का फीलिंग आता है ना, आप रात में 2 बजे 3 बजे पढ़ रहे हैं तो नींद आने लग जाएगी, अब दोपहर में अगर आप पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं तो नींद नहीं आएगा, ऐसा क्यों, जबकि दोनों तरफ ही आपका मन कर रहा है पढ़ने का। वो इसलिए क्योंकि शरीर जो होता है, आपका बॉडी जो होता है, वो हैबिचुअल होता है जो है सोने के लिए, 12 से सुबह 6 बजे तक सोने के लिए वो हैबिचुअल बॉडी हो गया। तो अगर आप सपोज़ करिए आप 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, रात में 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, अब सुबह आप 9 बजे जग रहे हैं, बताना कितने घंटे हो गया, 6 घंटे आपको बेनिफिट क्या हुआ, 12 से 3 बजे आपको नींद भी आई, नींद के लिए आपने चाय भी बनाया और अपने आप को जो है तैयार रखा और लगातार पढ़ाई में आप लगे रहे। लेकिन सर फायदा तो तब होगा ना जब 3 बजे सो करके आप सुबह 6 बजे जग रहे हैं कि भाई देखो हमने सिर्फ 3 घंटे जो है सोने में वेस्ट किए हैं, उसके बाद पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर जितना लेट सोएंगे रात में, उतना ही पूरा दिन आपका डिस्टर्ब रहेगा, ये मैं सही बोल रहा हूँ। रात में जो भी स्टूडेंट है वो, अब हो सकता है कि अलग अलग विद्यार्थी उनका अलग दिनचर्या रहा हो, लेकिन मैं अपनी दिनचर्या क्यों आपके सामने रख रहा हूँ, वो मैं समझा भी रहा हूँ। देखो जितना आप रात में ज़्यादा लेट तक पढ़ते रहेंगे, उतना फिर दिन में आपको नींद सी आने लगेगी, सिर भारीपन रहेगा, वो सिर्फ नींद की वजह से ही होता है, फिर आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जुनून होता है तो भैया उनके लिए ना 2 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है, मैं ये बताऊँगा और एक रियलिटी है, यही वाली बात है जिसके मन में अगर ललक होती है कि भाई मुझे पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को तैयार करना है, तो नींद कभी नहीं आ सकती। अब दूसरा सवाल होता है कि इस तरह हमें पढ़ते हैं तो उस टाइम पर नींद आती है,
सभी के साथ होता है, कोई कितना भी बोले ऐसी बात नहीं है, सभी के साथ तो नींद आती आती है। अपना टाइम पर हर चीज़ बॉडी की हर चीज़ वो अपना रंग ज़रूर दिखाती है। अब सोने का वक्त है, उस टाइम पर आप पढ़ रहे हैं तो जाहिर है नींद आएगा आएगा। हमको भी देखो ड्यूटी भी होता है, अब ड्यूटी अगर रात के दरमियान है तो भी लेजीनेस तो फील होगा ना, लेकिन अब ड्यूटी है या फिर पढ़ाई है वो तो आपको करना ही करना है। तो इन दोनों चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो रात को मैंने सोने का आपको समय बता दिया, दिन में आप पढ़ते रहिएगा, उसमें दो तीन आप दिन में अगर 2 घंटे भी निकाल लेंगे ना, 8 घंटे भी सो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी पर्याप्त है। 16 घंटे बहुत होते हैं, आप अच्छे पढ़ सकते हैं, लेकिन नींद से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। नींद आ रहा है सो जाओ, नींद आ रहा है सो जाओ, नींद से कॉम्प्रोमाइज़ आपका नहीं होना चाहिए। तो एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि सपोज़ करिएगा आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, या फिर आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो इनको पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर कोई सा भी ले लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर लगाते रहना है। और मैंने हर बार आपसे बोला है कि यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में जाना चाहते हैं तो आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं, जिसमें 150 क्वेश्चन का वो प्रैक्टिस सेट होना चाहिए और हर सब्जेक्ट के उसमें क्वेश्चंस होने चाहिए। तो इसके लिए आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सको। आज से ही प्रैक्टिस लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, पेपर जब भी हो आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। तो प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने आप सबको जो है वो बता दिया है कि चक्षु प्रकाशन ने भी जो है वो मार्केट में अपनी बुक लॉन्च कर दी है, उसको भी मैंने आपको बता रखा है। ये चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड एंड प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, तो पाठ्यक्रम पर आधारित है ये, जिसमें कि आपको 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे और साथ ही में 3000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिएगा अगर मैं बात करता हूँ इनके प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट भी एकदम लाजवाब है। प्रैक्टिस सेट के अंदर क्या मिलेगा वो आप देख लीजिएगा, कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपको 8 सॉल्व पेपर मिलेंगे, साथ ही में 10 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए और 2500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाइए बाय करिए, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस में कोई कंजूसी नहीं करना है, तो ये बहुत बेहतर होने लग जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। देखिएगा जब मेरा पेपर हुआ था ना, तो मुझे पता था यार 150 क्वेश्चन बस, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला, इसी तरह के 150 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन अलग हो सकता है और डिजिट अलग हो सकती हैं, लेकिन टाइप तो ऐसे ही रहेगा ना, उसको ही फॉलो किया था, एक कॉन्फिडेंस बढ़ा था। तो जब आप लगातार बहुत सारे प्रैक्टिस लगा देते हैं ना, तो एक विश्वास जगता है। देखो खर्च करना है आपको पढ़ाई के लिए, बचाना नहीं है। और हिंदी के लिए मैंने वीडियो दे दिया है, उसको आप देख लीजिएगा, हिंदी में एकदम फ्री क्लासेस हैं और बहुत अच्छे चैनल किए हैं, आप उन्हें देख करके आपका हिंदी में ना कोई सवाल गलत नहीं हो सकता। सिर्फ 1 महीने आपको उन्हें लगातार पढ़ करके नोट करना है और समझना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, और जो मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं उन सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत थैंक यू।